अब हम कुछ देख लेते हैं, कुछ यूएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड वो देख लेते हैं। प्रेशर रीचेज अ वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, यानी कि जो प्रेशर होता है उसकी जीरो वैल्यू कब पहुंचती है, एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू कब पहुंचती है, उसकी जीरो वैल्यू जब पहुंचती है जब वैन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मॉलिकुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो, जब उसकी मॉलिकुलर मोमेंटम क्या हो जाए, जीरो हो जाए सिस्टम का, ठीक है, तब उसकी जीरो वैल्यू पहुंचती है। द वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस मे बी, द वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस मे बी, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या आइडियल गैस के लिए क्या होगा, लेस देन और इक्वल मोर देन वन, इक्वल्स टू वन, तो आपका इक्वल्स टू जीरो, लेस देन वन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर द आइडियल गैस क्या होगा आपका, सेकेंड, सेकेंड का सेकेंड, यानी कि आपका ऑप्शन आ जाएगा डी, क्योंकि आपका वन होता है, इक्वल्स टू वन होता है आइडियल गैस के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एट अ वेरी हाई डेंसिटी द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ रेयर गैस इज लेस देन वन, एज द टेम्परेचर इज कंसिडरेबली रिड्यूस द मॉलिक्यूल्स आर ब्रॉट टूगेदर एंड थर्मोन्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स बिकम ग्रेटर एट द प्रेशर अराउंड 4 MPa, ठीक है, तो हमें इनमें से क्या बताना है कि जो आपके ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन ए क्या है आपका, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज, स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए, सेकेंड आपका ऑप्शन होगा स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट बट बी इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए, सी होगा स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट बी इज नॉट करेक्ट, और डी होगा स्टेटमेंट बी इज करेक्ट बट ए इज नॉट करेक्ट, ये आपके ऑप्शन हो, तो देख लेते हैं इसको। एट अ वेरी हाई डेंसिटी, अगर आपकी डेंसिटी ज्यादा हुई तो क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ रियल गैस इज लेस देन वन, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी, हाँ क्यों, क्योंकि देखिए आपका क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, जेड इक्वल्स टू पी वी अपॉन आर टी, ठीक है, देखिए आपका क्या है स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी कि इसको क्या ले सकते हैं, हम रो ले सकते हैं, डिवाइड में रो लिख सकते हैं इसको, हाँ अगर वॉल्यूम हटाएंगे, देखो रो इक्वल्स टू क्या होता है, 1/V होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, तो देखिए अगर आपकी डेंसिटी है, अगर डेंसिटी हाई होगी तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा, लेस देन वन हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए तो ये सही हो गया। सेकेंड क्या, एज द टेम्परेचर इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड द मॉलिक्यूल आर ब्रॉट टुगेदर, अगर टेम्परेचर हम रिड्यूस करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पास पास आ जाते हैं, ये सही है, ठीक है, ब्रॉट टुगेदर एंड द थर्मोन्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स बिकम ग्रेटर एट द प्रेशर अराउंड 4 MPa, ये भी सही होती है स्टेटमेंट, ठीक है, तो स्टेटमेंट इसकी वजह से क्या होता है, आपका टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो क्या होता है, आपका डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो ये इसके वजह से क्या होगा, आपका स्टेटमेंट ए अकर होती है, तो ये क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, यानी कि ए एंड आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द रियल गैस, रियल गैस के लिए करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन कौन सी है, जो वंडर वॉल इक्वेशन पूछी गई है, यानी कि वो क्या आपकी ए, जो हमने अभी आपको किया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में, रिड्यूस प्रेशर इज क्या होता है, रिड्यूस प्रेशर हमारा क्या होता है, पी वाई पी सी, यानी जिस प्रेशर पे हम निकाल रहे हैं और क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, तो इसका क्या होगा, यानी कि प्रेशर और भाई प्रेशर क्या होगा, यानी कि डायमेंशनलेस, तो ये आपका ऑप्शन